नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही चितरंजन रेगे होंगे जो बेस मेटल्स सेगमेंट के एमसीएक्स के हेड है। उनसे बात होगी जो आज जिंक फ्यूचर्स लॉन्च हुआ है और एल्युमिनियम और लेड फ्यूचर्स का जो मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाला है उस पर बात करेंगे हम आगे। लेकिन सबसे पहले आज फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि क्या टॉप 10 खबरें हैं। गोल्ड की बात करें तो यहां पर 350 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, 56,000 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर सोना अब आ चुका है। चांदी की बात करें तो यहां पर भी 600 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, 65,000 तक चांदी एमसीएक्स पर फिसल चुकी है। क्रूड में भी गिरावट है, $84 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ चुका है, एमसीएक्स पर भी 1% से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। नेचुरल गैस हालांकि शुरुआती गिरावट कम हुई है लेकिन अभी भी 210 रुपए के आसपास करीब करीब 0.25% की गिरावट दिख रही है। कॉपर भी कमजोर है, 775 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर कॉपर कारोबार कर रहा है। बाकी बेस मेटल्स पर भी दबाव है। एग्री मार्केट में कैस्टर 0.5% की गिरावट के साथ यहां पर कैस्टर में कारोबार हो रहा है और 6,800 रुपए के नीचे कैस्टर कारोबार कर रहा है। कॉटन के शुरुआत तो हुई थी कमजोरी के साथ लेकिन अब हल्की तेजी दिख रही है, 2,850 रुपए के आसपास कॉटन सीड के पहुंच चुका है। जीरा करीब 1% की गिरावट, 30,600 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर कारोबार कर रहा है। धनिया का वायदा यहां पर भी गिरावट ही है, 0.25% की, कमजोर कारोबार, 7,200 रुपए के आसपास धनिया का वायदा लगातार यहां पर गिरावट का रुख है। हल्दी में स्थिरता दिख रही है, हल्की कमजोरी है 6,950 रुपए के आसपास। लेकिन चलिए सबसे पहले बात आज करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहां पर गिरावट बढ़ती ही जा रही है, अब 56,000 के नीचे आ गया है, रिकॉर्ड से काफी नीचे भाव आ चुके हैं। जतिन, आप सहमत है, आपको भी लग रहा है इस तरह की गिरावट आएगी? गुड मॉर्निंग विश्व जी, यस डेफिनेटली वीकनेस तो है, जिस तरह से डेटा जो स्पेसिफिकली जो फेवरेबल में आ रहे हैं जो और जो डॉलर इंडेक्स को और सपोर्ट कर रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले ये एक महीने में डॉलर इंडेक्स जो है वो 101.50 से लेके अभी 104 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है, तो इसके कारण से सभी कमोडिटीज और करेंसीज पे एक प्रेशर बना हुआ है। एक पॉइंट पे आके मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, जहाँ पर पॉज पीरियड आ जाता है, उसके बाद फिर से सेलिंग आ रही है। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है वही फेवरेबल लग रही है फिलहाल ऑन द कार्ड्स, क्योंकि बाइंग साइड की जो भी स्ट्रैटेजीज रहेंगी वो स्टॉप लॉसेस जरूर हिट करेंगी, जिस तरह से मार्केट का रुझान है जो सेलिंग पे ज्यादा फोकस रहा है सभी का, क्योंकि जब तक इकोनॉमी स्ट्रेंथन में है तब तक हेडरूम जो है वो बढ़ा हुआ है फेडरल रिजर्व के पास ब्याज दरें और बढ़ाने के लिए। और जैसे मेरे सहयोगी अमित ने बराबर बखूबी समझाया कि ये इंटरेस्ट रेट साइकिल जो 5% के पास सबको पहले अनुमान था कि वहां पर अगर हॉल्टर लेता है तो डेफिनेटली यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिविटी का रुझान देखने मिल सकता है, लेकिन ये 5% के ऊपर अगर एस्केलेशन होना शुरू करे तो डेफिनेटली पैनिक जो है वो और बढ़ सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि 5% के ऊपर की ब्याज दरें जो है वो हिस्टोरिकली काफी समय के बाद ही फिर से देखने मिलेंगी हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जो एक आंकड़ा है रहेगा एक इंपॉर्टेंट रहेगा। जो मार्च का जो सीरीज जो मार्च की जो पॉलिसी रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी अभी, क्योंकि वहां पर जो स्टांस है और जो व्यू पॉइंट है वो जरूर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से फेडरल रिजर्व का आगे का व्यू पॉइंट बन रहा है कि इस 2023 के फर्स्ट हाफ में और कितनी रेट है इसकी फास्टर पेस से करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे कि अगर पेस जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से ही बरकरार रहती है तो शायद ज्यादा पैनिक ना आए, लेकिन एक आधा बड़ा जंप लेने की अगर कोशिश करते हो इंटरेस्ट रेट हाइक में तो उसको मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग जरूर करने की कोशिश करेगा। तो इसके चलते हुए गोल्ड और सिल्वर में मुनाफा वसूली जो है अभी भी थोड़ा इमीडिएट बेसिस पे कंटिन्यू रहना चाहिए। गोल्ड लेवल स्पेसिफिकली में बात करो तो 55,950 के आसपास सेलिंग की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, 56,150 के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर और 55,600 के टारगेट्स रखकर ये इंट्राडे कॉल रहेगा। ओके, तो यानी बिग वाली की सलाह दोनों ही जानकारों की तरफ से, लेकिन चलिए फटाफट से बेस मेटल्स पर ट्रेडिंग कॉल ले लेते हैं। जतिन जी, बहुत कम वक्त है, माफी चाहूंगा, फटाफट से आप अपने बेस मेटल्स में टॉपिक बता दीजिए आज। विश्व जी, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है मेरे हिसाब से सेलिंग की रणनीति अपनाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा आ सकता है दिन के दौरान में। कॉपर के अंदर मैं जाना चाहूंगा सेल साइड की रणनीति अपनाएं, लेकिन लेवल ब्रेक होते उसके बाद सेल करें, 773.80 के नीचे सेल करना है, यहाँ से 1 रुपये और गिरावट आए उसके बाद सेल कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 777 के ऊपर मेंटेन करना है और टारगेट 770 का रखना है, प्योरली इंट्राडे कॉल रहेगा। जतिन जी, क्रूड और एनजी पर छोटा जवाब दे दीजिए हमारे ट्रेडर्स के लिए आप। क्रूड के अंदर भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है मुझे, 2-3 दिनों की वॉलेटिलिटी के बाद आज थोड़ा सेलिंग दिख रहा है,
6490 के आसपास सेल कीजिए, 6550 के स्टॉप लॉस के साथ में, 6425 6400 के टारगेट्स को। ओके शुक्रिया अमित जी आपका, जतिन आपका, आप लोगों ने वक्त दिया और फटाफट से दर्शकों को ट्रेडिंग कोर्स भी दे दिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, अब वायदा बाजार में मुनाफे कमाने की बारी है। तो एफएनओ जंक्शन डिम्पी लेकर आएंगे ब्रेक के बाद।